Assalamu alaikum, I am Mukhtar Ahmed with the Virtual University Course MGT 501, that is Human Resource Management. And today we are here with our lecture number nine. And before we start our lecture number nine, let's see what we have covered in our last lecture. That was lecture number eight. And yeah, you have to tell me

The more diverse the workforce, the better option you can have. And then we try to understand what are the sources, on what basis we can say that our workforce is diverse. And we started with demographic characteristics like gender, age, religions, education base, and so on. And we try to understand. Since it is good, but same time there are certain issues arising due to this workforce diversity, and we try to understand how, as the manager, or as organization, how can we manage this workforce diversity issues? Or usme fir humne dekha training we discussed the empathy ek concept discuss kiya management case. say where. You try to put yourself in other person's shoes and then you try to understand why he or she is behaving like that. Or the other or sport group ke or organization ki sport we can manage this workforce diversity and to get maximum out of it. So that was our last time lecture, which was lecture number eight. And today what we are going to discuss? शिफ्टिंग टूअर द बेसिक अवर ओन सब्जेक्ट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी आर टू रिमेंबर ऑलवेज दैट दिस कोर्स इज डिज़ाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट लाइक बैचलर प्रोग्राम जिनका बेसिस शायद इतना मैनेजमेंट का नहीं है जिन्होंने अभी इतने बेसिक कोर्सेज नहीं पढ़े होंगे इस वजह से इट टुक मी सेवन एट लेक्चर टू ब्रिंग यू एट दैट लेवल फ्रॉम वेयर वी कैन नाउ ईजीली अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट होती क्या है ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है इसका फायदा क्या है एंड नाउ वी विल फोकस मोस्टली टू अवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट सो दैट इज वाई अवर टुडेज टॉपिक इज द फंक्शंज ऑफ टूडेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन देखते हैं कहाँ से शुरू करें This is a diagram showing you five basic areas of functionalities of human resource department. Sometimes they call it five basic functions of human resource department. What they are? Staffing. thoda sa detail discuss. Then is human resource development. And then is compensation and benefits. उनकी सैलरी बेजिस वगैरह का एंड देन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फिफ्थ वन इज एम्प्लॉय लेबर रिलेशनशिप एम्प्लॉय और, तो और लेबर जो उनका आपकी मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के उनका आपस में क्या रिलेशनशिप किस तरह उसको अच्छा बनाना है सो विद दिस बैकग्राउंड आर फाइव बेसिक फंक्शन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट let us go in little bit detail and try to understand okay, what are those functional areas of hrm and we will start with our number one that is plan, uh, planning and selection why do we plan unless we know that where we are heading what is our requirement and then we will be able to डिजाइन समथिंग सो फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग एंड सिलेक्शन दैट इज द बिग ब्रॉडर उससे कहना चाहिए एरिया है इसके अंदर भी बहुत सारे आगे स्पेसिफिक फंक्शन आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रोडर फंक्शन दैट इज प्लानिंग एंड सिलेक्शन प्लानिंग और सिलेक्शन में देखते हैं कि और क्या क्या फंक्शन होते हैं सबसे पहले है फोरकास्टिंग एंड

नई ब्रांच हमने खोल दी है नया इंस्टीट्यूट खोल दिया है नया यूनिट लगा लिया है नया इक्विपमेंट आ गया है अब उसके मुताबिक हमें आगे जो आने वाले वक्त में कैसे कैसे किस कैपेबिलिटीज़ के किस स्किल के लोगों को ज़रूरत होगी जो हमारे इन चीज़ों को प्रोसेस को चला सकें तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस सिलेक्शन और प्लानिंग का जो है प्लानिंग और सिलेक्शन का जो था वो है

के जो करेगा वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा ही आर शी विल बी आंसरेबल टू होम तो एक उस सारे प्रोसेस को जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस इज आल्सो ए फंक्शन एच आर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू परफॉर्म एंड देन यूल गो फॉर विद रिक्रूटमेंट एंड स्क्रीनिंग आई थिंक वन ऑफ अवर प्रीवियस लेक्चर आई डिट डिस्कस के रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को हम कंफ्यूज करते हैं कभी कभी एक ही इन दोनों का एक ही मतलब लिया जाता है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है है ये भी सिलेक्शन का एक प्रोसेस का प्रोसेस का एक हिस्सा ही है बट इट इज़ बिफोर सिलेक्शन वे यू अट्रैक्ट पीपल दैट दे शुड कम एंड अप्लाई फॉर आर शो इंटरेस्ट टू जवाइन योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट के लिए मुख्तलिफ तरीके हम पढ़ेंगे इस हर फंक्शन के बारे में हम एक सेपरेट पूरा लेक्चर को उसके अंदर इसके डिटेल में जाएंगे आज थोड़ा सा आपको सिर्फ बेसिस का Uh, दिखाना मकसद है तो रिक्रूटमेंट और स्क्रीनिंग करेंगे रिक्रूटमेंट इज बेसिकली यू विल अट्रैक्टिंग पीपल एंड यू विल बी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसके बहुत सारे तरीके हैं एक आम सा तरीका जिसे हम कहते हैं नॉर्मल वो अखबारों में ऐड आती है उसके जरिए लोग बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं नाउ इट इज नॉट नेसेसरी नेसेसरीवरी बॉडी हु इज अप्लाइंग माइट बी द राइट पर्सन दैट यू शुड कंसिडर हेमर हर तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप फिर एच आर डिपार्टमेंट क्या करता है कि जितनी भी आपके रिज्यूमे आपके आगे आपके पास एप्लीकेशन आती हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है टू क्रिएट ए मैच कि क्या जो हमने अपनी एड में दिया था कि ये ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके ये ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस जॉब के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे तो वो मैच कर रही हैं तो उस तरह के लोगों को जो उसके मुकाबले के उसके अठबार होंगे उनको आप स्क्रीन करके अलहदा कर लेंगे और बाकी चीज़ों पे आप फिर अपने लोगों का एचआर डिपार्टमेंट का वो ज़्यादा रिसोर्स को ज़ाया नहीं करेंगे कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएं उनको स्क्रीनिंग करें बिकॉज दे आर नॉट Matching the requirements. So, that is the screening part, and that is also the function of HR department. And what is next? Testing and interview. And we will also go with the, with the selection process, and we will discuss there that it depends on organization to organization how they go with the selection process. simple <laughs> interview मुख्तफ आग्नाशन आर्मी में अप्लाई किया होगा और अच्छी बड़ी बड़ी आग्नाशन में अप्लाई किया होगा दे गो विद लॉन्ग स्टेप्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स कभी इंटरव्यू होते हैं टेस्ट होते हैं आपके मुख्तफ़ किस्म के आपके टेस्ट होते हैं इंटरव्यू किए जाते हैं और उसके बाद आपके फाइनल सिलेक्शन होती है तो उसी का हवाले से टेस्टिंग एंड इंटरव्यू होता है शुरू में कुछ ऐसे पोजिशन होती हैं इस्पेली जो स्टार्ट की कैरियर की होती हैं उसमें टेस्ट जरूर लिया जाता है लेकिन जब आगे जाके सीनियर पोजिशन के लिए अप्लाई करते हैं दैट माइट नॉट बी नेसेसरी नसेसरी यू शुड गो फॉर दी टेस्टिंग फॉर कैंडिडेट एंड यू कैन ओनली गो फॉर इंटरव्यूज सो दैट विल बी टेस्टिंग एंड इंटरव्यू दैट इज ऑल्सो द फंक्शन विच एच आर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू परफॉर्म देन अनदर थिंग इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट एरिया द फंक्शन ऑफ एच आर डिपार्टमेंट दिस टर्म ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स एच आर आई एस इसको भी कहते हैं इस पर भी हमारा एक सेपरेट लेक्चर होगा दिस इज लाइक सेम टर्म आप भी उससे फेमिलर होंगे जैसे हम कहते हैं एम आई एस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो क्या चीज़ है बेसिकली ये आर्गनाइजेशन के अंदर आप ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी न्यू थिंग्स बेसिकली कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग इट कंप्राइज ऑफ पीपल इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन And the system is in a way developed, so that they should gather information, analyze them, and disseminate those information to the people who are making decisions. And they are basically managers. Managers have to make decisions, they information. will retrieve data database, based on those information, they will make the decision. Similarly, this human resource information system is derived or developed within the organization and again for the same purpose and that purpose is to make decision about human resources and based on those information which are available to you that is also part of those functionalities of hr department सिलेक्शन और प्लानिंग था और प्लानिंग और सिलेक्शन बेसिकली तो सेकंड, मेजर फंक्शनल एरिया इज मेरिंग परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉज डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है इस ब्रॉडर एरिया के अंदर फिर अगेन देर आर स्पेसिफिक फंक्शंस विच एच आर डिपार्टमेंट परफार्मे स्टार्ट विद द परफॉर्मेंसर दिस इज रूटीन एक्सरसाइज एड एक्टिविटीज विद इन द आर्गनाइजेशन ये आज बहुत सारी आप नई टर्म्स को भी देखेंगे सुनेंगे भी एंड डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ क्योंकि इस हर एक टर्म पे हर एक फंक्शन पे हमारा एक स्पेसिफिक सेपरेट लेक्चर होगा फिर हम उस वक्त काफी डिटेल में जाके इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे डोंट बी लास्ट क्या जी पता नहीं क्या चीज होगी ये काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई सो वट इज परफॉर्मेंस सर जब आपने अपने पास लोगों को रखा है तो यू शुड ऑफ़ ऑफकोर्स कंसर्न कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड फॉर दैट ऑर्गेम एक्टिविटीज आर फंक्शन एंड इट हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव वन इज दुएशन यू वॉन्ट टू सी पर्सन ए इज परफॉर्मिंग सच एंड सच थिंग्स पर्सन बी उससे अच्छा कर रहा है उससे कम कर रहा है दैट इज अवैलुएशन आप देखना चाहते हो कि आपके सिस्टम के अंदर आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड दूसरा जो उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेकेंड फोर्ड ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंटल एंड व्हाट इज डेवलपमेंटल हेयर थिंग टू यू वांट टू एनालाइज दैट वेदर हियर शी इज परफॉर्मिंग एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द मार्केट अगर नहीं हो रहा तो समथिंग इज मिसिंग समथिंग इज रॉन्ग एंड दैट समथिंग कैन बी इधर योर सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली योर इक्विपमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली आर दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और अगेन दैट पर्सन माईट नॉट बी वर्किंग बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू यूज दिस न्यू इक्विपमेंट आर हीज अपसेट ड्यू टू सर्टन अदर थिंग्स ही आर दे आर नाट दे आर अन मोटिवेटेड तो वो डिवेलपमेंटल जो पार्ट है वो भी आपने वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर असेस करती हैं ताकि फिर वो अपने एम्प्लाइज के लिए ट्रेनिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकें अगेन सी एज आई आई वॉज जस्ट स्टार्किंग विद यू के बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल यूर एनालाइज द ट्रेनिंग नीड्स क्या वो इक्विपमेंट की मसला था या उस जो आपका वर्कर है जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंदर कोई चीज कम है उनको ही दे माइट नॉट बी एक्सपोज हो दिस न्यू इक्विपमेंट और दे माइट नॉट बी फेमिलियर विद दिस न्यू प्रोसेस तो उसके लिए फिर क्या जरूरी है कि आपको उनके लिए कुछ ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना है सो सेकेंड देन फंक्शन ऑफ विद इन दिस ब्रॉर्डर एरिया विल भी एनालाइजिंग दी ट्रेनिंग नीड्स और उस बेस पर फिर आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग कंडक्ट कराएँगे और याद रखिए जैसे बार बार आपको रियलाइज कराता हूँ कि डोंट बी कन्फ्यूज ऑन दोल दो डिफरेंट थिंग्स ये ये चीज़ें आगे आएँगी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन सबको इन शपरेट डिस्कस करेंगे तो फिर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट करेंगे इसमें आपने देखना है कि किस चीज की उनको ट्रेनिंग देनी है वट स्पेसिफिक एरियाज यू नीड दैट दैट पर्सन शुड इंप्रूव हिज आर हर एबिलिटीज किस किस्म की ट्रेनिंग होगी आप किसी की किसी यूनिवर्सिटी में उनको भेजेंगे क्या इन हाउस ट्रेनिंग करवाएंगे क्या किसी स्पेशलाइज जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनसे आप ट्रेनिंग दिलवाएंगे या कि उनको सी डी या कैसे जिस तरह आपके पास सी डीज आती हैं या वीडियोज पे आप, आप वीडियो पर देख रहे हैं टीवी पे देख रहे हैं आज लेक्चर इस तरह की किसी ट्रेनिंग से आपका मकसद सर्व होता है तो दैट इज बेसिकली कंडक्टिंग द ट्रेनिंग फॉर दोज इम्प्लॉइज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल जिस पे आपने देखा था कि इनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क किसी वजह से नहीं है और वो वजह आपने डिटर्मिन की थी कि इनको उस बेस पे आपने डिटर्मिन किया था कि हमें इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि ये भी उसी लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दे सकें जो बाकी लोग मार्केट के अंदर देते हैं नेक्स्ट इवेल्युएटिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस नाउ यू हैव ऑलरेडी डिजाइन कंडक्टेड द ट्रेनिंग द नेक्स्ट फंक्शन नेचुरली विल बी टू सी वेदर दैट ट्रेनिंग हैज वर्क नॉट जो भी आपने प्रोग्राम चलाया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करवाई लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करवाई इन हाउस उसकी ट्रेनिंग करवाई बाहर भेजा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या उसको डिस्टेंस लर्निंग के जरिए वर्चुअल लर्निंग के जरिए उसकी ट्रेनिंग होगी या किसी कोलीग के साथ उसको बिठा के आपने सिखाया तो नाउ लॉजिकली नेक्स्ट स्टेज शुड बी टू वेल वेट वेदर दैट थिंग हैज़ वर्क अर नाट एंड हाउ कैन यू गेट द रिजल्ट एन ऑफकोर्स बेस्ड ऑन नाउ हेज हर परफॉर्मेंस क्या उसको जब बेच मार्क से दोबारा कंपेयर करेंगे तो वो परफॉर्मेंस अप टू मार्क अब हुई कि नहीं हुई या जो प्रीवियस उसकी परफॉर्मेंस थी उसका और आज की परफॉर्मेंस में इस ट्रेनर का कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा तो दैट विल आल्सो नेचुरली गिव यू फीडबैक और रिजल्ट कि आपकी इस जो आपने प्रोग्राम चलाया था ये इफेक्टिव था कि नहीं था नेक्स्ट यू आल्सो एज ए एच आर डिपार्टमेंट आर एच डिपार्टमेंट विल परफॉर्म द कैरियर काउंसलिंग एंड डिवेलपमेंट च पर्सन हैज इंस्पायरेशन के दे वॉन्ट टू डिवेल्प देअर कैरियर इन सर्टन अनसर्टन पाथ बेसिकली उसको कैरियर पाथ भी बोलते हैं और उस करियर डिवेलपमेंट के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लाइज को कैरियर काउंसलिंग करती हैं वहां पर उनका मोटिवेशन लेवल देखा गया है काफी हाई रहता है बिकॉज दे आर दे फील दैट दे काइंड ऑफ टेक इट इज लाइक दैट हाउ मच कंसर्न माई आर्गेनाइजेशन विद माई कैरियर देख विद मी के जी आपको पढ़ना चाहिए आपको हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए हमने ये ट्रेनिंग करवानी है तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू परफॉर्म आर एच आर डिपार्टमेंट टू परफॉर्म अदर फंक्शन वी कॉल कैरियर काउंसलिंग एंड देयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग इफेक्टिव एम्प्लॉइज मैनेजमेंट रिलेशन लॉजिकली कैरियर इज देयर पीपल आर वर्किंग नाउ यू हैव टू क्रिएट इन्वायरमेंट जहां आपका रिलेशन रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ परफेक्ट एंड वट डज दिस रिलेशनशिप मीन हेयर कि आपस में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है आपस में वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छी है देर इज़ नो काइंड ऑफ मिसट्रस्ट और आपस में ऐसा कोई नहीं है जिससे कन्फ्लिक्ट वगैरह राइज करें क्योंकि दैट इज़ ऑलवेज डेंजरस अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकते हैं तो लेट्स सी कि व्हाट स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म अंडर दिस ब्रॉडर डिपिंग इक्विटेबल कंपनसेशन सिस्टम अब रिलेशनशिप कैसे अच्छे होंगे जब आपका कॉन्फिडेंस एक दूसरे पर अच्छा है वो किस तरह कॉन्फिडेंस आप डिवेल्प हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेन ईच एंप्लाई नो कि हमें जो कॉम्पनसेट किया जाता है वो प्रॉपरली किया जाता है देर इज नो काइंड ऑफ सच काइंडी काइंड ऑफ चीटिंग बेसिकली देर और वो मिस यूज जिसे कहते हैं कि या, हमें पता ही नहीं था कि हमें तो इतने पैसे मार्केट में मिल सकते थे लेकिन इस आर्गनाइजेशन में आके इन्होंने में एहसास नहीं होती और कम पैसों पे हम लोग काम लेते रहे अगर जब इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए तो एक मिसट्रस्ट डिवेल्प हो जाता है रिलेशनशिप जो होती हैं वो सफ़र करती हैं विद इन आर्गनाइजेशन जो एम्प्लॉज़ की एम्प्लॉयर के साथ होती हैं तो इफ़ आई विद इन द आर्गनाइजेशन यू हैव प्रॉपर कंपनसेशन सिस्टम सो दैट विल नेचुरली हेल्प यू टू हैव मोर कोऑपरेशन मोर अंडरस्टैंडिंग विद ईद अदर लेक्टिव बारगेनिंग अगेन दिस इज ए न्यू टर्म दिस इज बेसिकली वैन द कभी कभी आपने लफ्ज सुना होगा यूनियन ऑर्गेनाइजेश के अंदर जब एम्प्लाइज मिलकर अपना ग्रुप बनाते हैं तो जब वो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्रू दैट ग्रुप बेसिकली देगोशिएट विद द मैनेजमेंट फॉर वट फॉर वेजेस और सैलरी वर्किंग आवर्स बेनिफिट्स और जो भी उसमें उनका जो आपके एंप्लाइज होते हैं उनके जो कंसर्न होते हैं उसको कलेक्टिव बारगेनिंग कहते हैं ये फंक्शन में भी ह्यूमन रिसोर्स जो है दे परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे आर बारगेनिंग के अलावा कुछ नाराजगी भी हो सकती है ग्रेविसेस भी हो सकते हैं आपस में उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है लेट सी इफ आई एम नॉट सेटिस्फाई वट शुड आई डू शुड आई स्टार्ट फाइटिंग विद एवरीबॉडी नो क्टली गो टू माई बॉस आई डोंट थिंक इट इज वी गुड आइडिया तो उसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर ग्रेवेंस प्रोसेस होता है कि जिस तरह आपने लफ्ज़ सुना होगा थ्रू प्रॉपर चैनल स्टार्ट विद योर इमीडिएटली बॉस इफ योर थिंग्स आर नॉट सेटल लॉजिकलीन यू कैन गो टू नेक्स्ट स्टेज और फिर इस तरह आप अपना ग्रेवेंस है, uh, है या अपना जो कंसर्न है आप प्रॉपर कंसर्न क्वार्टर तक पहुंचा सकते हैं और चांसेस यही होते हैं के नीचे ही आपके वो इशू जो है वो सेटल हो जाएंगे और ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दैट इज आल्सो एच आर इज आल्सो प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन दिस फंक्शन नंबर फोर द ब्रॉडर एरिया इज अनकवरिंग एंड रिजॉल्विंग एम्प्लॉइज प्रॉब्लम्स सबसे पहले देखें तो सही ना कि मसले क्या हैं, इश्यूज क्या हो सकते हैं क्या कंसर्न हैं, और उसको किस तरह रिजॉल्व करना है ये भी एरिया है ये भी फंक्शनल एरिया है जहां पे एच आर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है उसके अंदर स्पेसिफिक जो है फंक्शनल एरिया हैं कि यू हैव टू एज द एच आर डिपार्टमेंट दे हैव टू असेस द एम्प्लाइज स्ट्रेस अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस अगेन विल डिस्कस थिंग इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स स्ट्रेस इज अगे थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करता चलूँ आपने भी लफ स्ट्रेस सुना होगा हर वक्त कभी कभी कार वाले कहते हैं क्यों और स्ट्रेस में क्यों हो भाई क्या हो गया तो लेकिन देखा गया है मैनेजमेंट के हिसाब से कि स्ट्रेस अच्छी भी है बुरी भी होती है टू सर्टन एक्सटेंथ स्ट्रेस आएगी तो लोग काम करते हैं वो एक ख़ास हाथ से स्ट्रेस अगर बढ़ जाए तो देन इट हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट आपने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट तक आप इजी लेते हैं जब एग्ज़ाम होते हैं तो आप प्रेशर होता है तो फिर ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो किस वजह से होता है कि आपके ऊपर प्रेशर होता है स्ट्रेस होती है जिसकी वजह से यू परफॉर्म समथिंग गुड तो ऑर्गेनाइजेशन का ये भी रोल है एच आर डिपार्टमेंट का ये भी रोल है कि वो असेस करें कि स्ट्रेस किस वजह से हो रही है अगर स्ट्रेस है इफ दे आइडेंटिफाई दे ऑब्जर्व कि पीपल आर नॉट हैप्पी दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ नॉट कंसर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आर उसकी जो कंसर्न है समथिंग से समवेयर तो ये एरिया भी ये फंक्शन भी एच आर डिपार्टमेंट का वो देखे स्ट्रेस किस वजह से है ना सिर्फ देखें बल्कि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी करें, उसको सेटल करने की कोशिश भी करें ताकि वो स्ट्रेस कम से कम हो और परफॉर्मेंस प्रॉपर साथ साथ चलती रहे एच आर डिपार्टमेंट इज आल्सो परफॉर्मिंग एन फंक्शन वेयर दे आइडेंटिफाई एंड दे डिजाइन सर्टन एक्टिविटीज थ्रू विच कैन मोटिवेट देयर एम्प्लॉज एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मोटिवेशन इसमें भी हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे थ्योरीज देखेंगे मैजलो ने क्या कहा थ्योरी एक्स क्या होती है थ्योरी वाई क्या होती है तो ये सारी चीज़ें भी इन हम डिस्कस करें लेकिन इस वक्त थोड़ा सा हम उससे हट के बेसिक फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के ख्याल से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको भी पता हो कि ये सारी चीज़ें हमने वन बाई वन डिस्कस करनी तो एम्प्लाइज मोटिवेशन सिस्टम दैट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एच आर डिपार्टमेंट कि वो किस तरह हायर मैनेजमेंट को दूसरे लोगों को अप्रेज करती हैं उनको कन्वेंस करती हैं कि ये एक्टिविटी करने से ये इनके लिए आ, जो पेड लीव है देने से इनके अच्छे ऑफिस बनाने से इनकी बेनिफिट्स का ख्याल करने से इनके लिए डेकोरेशन का ख्याल करने से इनका मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉइज़ का बढ़ेगा और मोटिवेशन अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली अच्छी होगी And based on that, all those different programs they can also design EAPs, that is Employees assistant Program, okay, how to assist your employees in certain issues, like benefits, unki health, baki jo let's see, the ki manage diversity, liye, organization they have kind of developed the child care center at their places so that the single parents, the mothers, if they are working with your organization. दे शुड नॉट फील कंसर्न अबाउट देर किड्स कि अगर उन्होंने किसी बेबी सीटर के पास या किसी घर में छोड़ के आए हुए हैं तो अगर ध्यान उनका उधर ही होगा तो यहाँ परफॉर्मेंस सफ़र करेगी तो उनको असिस्ट करने के लिए दिन ऑर्गनाइजेशन दे है स्टार्टेड डेवलपिंग चाइल्ड केयर सेंटर इवन दो किंडर गार्डन टाइप स्कूल प्राइमरी छोटे जो स्कूल जो होते हैं उन्होंने विद इन देयर जो कंपाउंड एरिया या नज़दीक वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किए ताकि पूरी कंसनट्रेशन के तहत वो लोग वहाँ पर आपके साथ

पिछले एक दो लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या चेंज इन्वायरमेंट में आ रही है कि बड़ी स्पीड से चेंजेस आ रही हैं और चेंजेस को कोप कैसे करना है ये भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है और ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी चेंजेस आ रही हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इक्विपमेंट चेंज हो रहे हैं उसमें फिर एच डिपार्टमेंट इज प्लेंग वेरी वाइटल रोल एंड दिस इज ऑल्सो मेजर फंक्शनल एरिया ऑफ एच डिपार्टमेंट इसके अंदर उसी चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए रोजा हर दिन एक नया लेजिस्लेशन नया प्रोसीजर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एस ओपी जिसे कहते हैं आर्गनाइजेशन के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं विथ चेंजिंग एन्वायरमेंट बिकॉज इट्स वेरी फास्ट तो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना ये भी एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है देन इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दे आर सेटिसफाई के टूडे वी हैव अचीव सर्टन थिंग्स हम तो एक दुनिया में कामयाब ऑर्गेनाइजेशन बन गए और उन्होंने आगे का ना सोचा तो याद रखिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी या जल्दी डिक्लाइन में जाना शुरू हो जाएगी इट इज जस्ट लाइक लेट्स यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स डोर इन लास्ट योर लास्ट सेमेस्टर आप इसी पर खुश होते रहे आप एनालाइज ही ना करें कि किस तरह आपने अच्छे मार्क्स लिए और किस तरह आगे इससे अच्छे लेने की कोशिश करेंगे बजाय उस पर ही खुश होकर आराम से बैठ जाएं कि ये नाओ सिंस यू हैव अचीव ए पोजीशन इन योर क्लास आर ड्यूरिंग लास्ट एग्जाम्स नाउ नथिंग टू वरी टू बिलीव मी दैट विल बी वेरी डेंजरस और इट विल बी स्टार्टिंग ऑफ योर डिक्लाइन ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने सिस्टम को साथ साथ देखते ना रहें उसको क्रिटिकली एनालाइज ना करती रहें तो चांसेस यही हैं कि फिर फ्यूचर में जो चेंजेस आ रही हैं उसको वो कोप नहीं कर सकेंगी एंड दे विल बिकम द हिस्ट्री इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन गो विद द रिसर्च एंड एवेलुएटिंग देयर करंट प्रोसेसिस फंक्शनिंग तो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स responsibility that they should conduct a research and evaluate their present jo hr practices hai, organization ke andar, aur dekhe, ki, kya it is an improving side it is on declining side what? and what is happening in other organization so that is also very crucial and very critical function hr department should be performing कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी हैं कि जहाँ सिर्फ़ एच डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं तो इसी कुछ अर्से के बाद पता लगता है कि उससे बाद में आने वाली ऑर्गेनाइजेशन उससे आगे निकल गई इवन यू कैन सी द कंट्रीज़ हमारे यहाँ देख लें हम शायद इतना क्रिटिकली देखते नहीं हैं और बस जो काम होता है अल्लाह पे डाल देते हैं और खुश रहते हैं कि चलें वक्त गुजर गया हमारे से बाद में आने वाली कंट्रीज़ ने बड़ा क्रिटिकली अपने सिस्टम को देखा हमें हमसे सीखा दूसरों से सीखा और आगे चलते गए एंड नाउ दे आर द प्रॉस्पर कंट्रीज द डिवेल्प कंट्रीज इन द लाइन ऑफ दोवल्प कंट्रीज एंड देयर लाइफ सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू डू सच आर एंड डी आर अवेल्यूटिंग एक्टिविटीज सो दैट दे शुड असेस देयर सिस्टम्स जो प्रेजेंट हो रहे हैं और पहले क्या था अब क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या एंटिसिपेट करते हैं और उसके बेस पे अपनी उस चेंजेस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते रहे तो चांसेस आर के यू शुड बी आल्सो ऑन द रोड ऑफ सक्सेस सो नेक्स्ट फंक्शन यस एंटिसपेटिंग फ्यूचर एच आर एज आई वेयर अर्लियर बेस्ड ऑन दस रिसर्च एंड एवेलुएटिंग एक्टिविटीज यू यू कैन आल्सो फिगर आउट कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है उसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है और वो कैसे क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है मार्केट चेंज हो रही है एकनमी चेंज हो रही है ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और फिर आपने उसी बेस पे अपनी ह्यूमन रिसोर्स के जो ट्रेंड्स हैं उनको भी एनालाइज़ करना है एंड दैट इज़ आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट कि दे शुड गाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन देयर टॉप मैनेजमेंट दैट लुक दैट इज़ व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग

थोड़ी सा किताब को पढ़िए डिस्कस कीजिए अपने साथियों के साथ इवन बड़े भाई से बड़े घर में जो बुजुर्ग हैं आपके पेरेंट्स हैं उनसे भी डिस्कस करने में हर्ज कोई नहीं और मुझसे तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बाकी जो आपको स्पोर्ट्स स्टाफ है उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं एंड यू कम विद योर आइडियाज लेट्स सी ये भी एक क्रिएटिविटी है ये भी एक फंक्शन है तो आप भी सोचिए कि इसके अलावा ये तो ब्रॉडर हमारे पांच जो मेजर एरिया थे एच आर डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शन एरिया वो तो डिस्कस किया उसके अंदर भी स्पेसिफिक एरिया को हमने टच किया उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है बहुत कुछ कर सकते हैं दैट इज़ फूड फॉर थॉट फॉर यू यस लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट टॉपिक अब जितने भी हमने ये फंक्शंस मुख्तलिफ डिस्कस किए हैं ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे परफॉर्म होते रहे जैसे मैंने आपसे कहा था इंटरव्यू को डिस्कस करते हुए कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन प्रोसेस है दे कैन गो विद लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फाइव सिक्स स्टेप्स सेवन स्टेप्स और सम ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट गो फॉर वन इंटरव्यू एंड बेस ऑन दैट दे कैन सेलेक्ट अ पर्सन इसी तरह बेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन साइज उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी वेरी करती है तो लेट्स सी कि मुख्तलिफ अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है एक मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर फंक्शंस किस तरह परफॉर्म होते हैं एच आर इन स्मॉल बिजनेस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहां चंद लोग हैं उसके अंदर क्या उसके मेजर फंक्शन होते हैं और कौन कर रहा होता है ये सारा कुछ बेसिकली इफ यू हैव स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए फैमिली बिजनेस लाइक ए बिजनेस ऑफ कपल ऑफ पीपल फाइव टेन ट्वेंटी इवन

अदर पीपल दे हैंडल दोज एच आर फंक्शन आपके पास आपने एक छोटा सा सेटअप बनाया अपने लिए जो आपके लिए परचेजिंग कर रहा है वही आपके एच आर फंक्शन भी कर रहा है वही आपकी मार्केटिंग भी कर रहा है वही डिजाइनिंग भी, भी कर सकता है तो नॉट नेसेसरी दैट इन ए स्मॉल सो बेसिकली वट वाई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे से ग्रुप के अंदर पहले तो जरूरत ही नहीं है हो ही नहीं हो, शायद चांस ही ना हो कि उनको एचआर यूनिट को बना सके सेपरेट लेकिन एच आर फंक्शन तो हो रही है ना वन वे अदर वे दे हैव टू हायर पीपल दे माइट नीड टू ट्रेन दम इवन इवन इफ यू आर यू हैव टू पीपल वर्किंग यू उनको गाइड करना है तो इवन ऑन अ डायरेक्ट ईयर शी विल बी परफॉर्मिंग द एच आर मैनेजर फंक्शन और ज्यादा उनका जोर किस पे है या फोकस मेन क्या होगा टू हायर पीपल टू रिटेन कैपेबल पीपल तो ज्यादा उनका फोकस दो चीजों पे होता है कि राइट पीपल को सिलेक्ट कर लिया जाए और फिर इसको किस तरह रिटेन किया जाए तो इन दो बेसिक फ़ंक्शंस के लिए तो यू माइट नॉट नीड ए इनडिपेंडेंट एच आर डिपार्टमेंट जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि जो मैनेजर है जो ऑनर है वही तीनों फंक्शन कर रहा है ऑपरेशन के भी सेल के भी और फाइनेंस के भी बेसिकली तो वही जो है क्या करेगा उसके पास उसने या उसने अगर दो तीन लोग रख भी लिए हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए तो ओनर हिम सेल्फ और हर सेल्फ ही इज़ परफॉर्मिंग द एच आर फंक्शन ऑफ रिटेनिंग ऑल दीज थ्री पीपल आर इवन हायरिंग दे वर हायरिंग दोज पीपल तो उसने अकेले ही सारा खुद काम कर लिया तो सार इस सारी बहस का मकसद क्या था कि आपको बताया जाए कि एक छोटे बिजनेस के लिए छोटे डिपार्टमेंट में शायद एच आर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट ना हो तो वहां पे क्या होता है कि फिर कोई और जो है आपका मैनेजर है कुछ और जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो एक्टिविटीज वो जो रोल है वो अडाप्ट कर लेता है इवन द ऑनर हिम सेल्फ और हर सेल्फ और सी जो मैनेजर है वो खुद यही परफॉर्म करना शुरू कर देता है वट अबाउट इफ यू हैव ए मीडियम साइज एच आर डिपार्टमेंट यहां पर स्पेशलाइजेशन की थोड़ी बहुत शायद जरूरत पड़ती हो लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना हम सारा डिस्कस करके आए पांच मेजर फंक्शन जो एच आर मैनेजर एक आदर उनके पास होता है ही डिपार्टमेंट उसी ने एनालाइज करना है उसी ने फोरकास्ट करना है अफकोर्स विद डिस्कशन कन्वर्सेशन और डिस्कशन विद अदर पीपल बट वो एक परसन या एक या दो पर्सन पे पूरा डिपार्टमेंट मुश्तमल होता है उसी ने सिलेक्शन करनी है उसी ने ट्रेनिंग के लिए डिसाइड करना है उसी ने उनका रिकॉर्ड मेंटेन करवाना है सो so, ज्यादा स्पेशलाइजेशन और इस तरह कई आगे जाके आप देखेंगे कि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके अंदर फिर इवन हर फंक्शनल जो हमने पांच बेसिक फंक्शन एरिया देखे थे हर एक के लिए सेपरेट मैनेजर चाहिए होता है एंड इवन विद इन सेम न दैट्स बेसिक स्पेशलाइज एज यू माइट है डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजर आर सुपरवाइजर तो मीडियम साइज के लिए क्या हुआ कि एक तो ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती हो सकता है कि सिर्फ जो एक मैनेजर आपने रखा है वही सारे काम खुद कर रहा हो जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं यू हैव ए मैनेजर देन ही हैज डिप्टी और मैनेजर लाइक सेकंड फेज पे जो उसकी मिडिल मैनेजमेंट है उस पर प्रोडक्शन मैनेजर है सेल मैनेजर है फाइनेंस मैनेजर है और एच आर मैनेजर भी है बट वट अबाउट एक कन्वेंशनल जो आज का ट्रेडिशनल जो आ, कहा जाता था कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का एच आर सेटअप होना चाहिए लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन यहां पर दे माइट हैव सेपरेट सेक्शंस बनाए जाते हैं उन सेपरेट जो एक्टिविटीज होती हैं बेसिक फंक्शन होते हैं कंपनसेशन के लिए हो सकता है इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि सेपरेट सेक्शन फॉर सेपरेट एक्टिविटीज लाइक जैसे मैंने आपसे कहा था कि पांच डिफरेंट बेसिक फंक्शनल एरिया होते हैं कंपनसेशन और बेनिफिट्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन बना दिया जाए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए सेपरेट एरिया हो और इवन सेलेक्शन और इंटरव्यू के लिए सेपरेट यूनिट हो सो दैट इज हाउ बिकॉज द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन द मोर पीपल आर इन्वॉल्व देयर वन द मोर पीपल इवाल्व देयर नीड सेपरेट यूनिट सेपरेट सेक्शन टू हैंडल दो मोर पीपल्स काम की नोयत के मुसाक काम बढ़ता जाता है उसके लिए फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू हैव सेपरेट सेक्शन फॉर सेपरेट एक्टिविटीज और ये जो सेक्शंस होते हैं ये अंडर एच आर मैनेजर के अंडर आते हैं कि बेसिक ऑफकोर्स दिस इज वन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कुछ फाइनांस है कुछ सेल है मार्केटिंग है प्रोडक्शन है तो एक बड़ा जो जो डिपार्टमेंट है ये बड़ा जो उसको हेड कर रहा है डेट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हेडिंग मेंबर ह्यूमन रिसोर्स और मुख्तलिफ़ के नाम उसको दिए जाते हैं तो उसके अंदर फिर वो जैसे मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट सेक्शंस होंगे उनके आगे सुपरवाइजर हेड हो सकते हैं सेम थिंग ईच दैट एच आर फंक्शन अंडर द मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स माइट हैव सुपरवाइजर आर उसको स्टाफ उसके अंदर काफ़ी सारा हो सकता है अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कितना उनका काम है कुछ ऑर्गेनाइजेशन दस हज़ार लोगों पे होती है कुछ पचास हज़ार पर भी हो सकती है बड़ी उससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं और जितना ज़्यादा काम आपका होगा उतने ज़्यादा आपको लोग चाहिए होंगे उन सबको सपोर्ट करने के लिए और इसमें यह भी होता है कि जो एच मैनेजर है ही इज़ मोर क्लोज विद द टॉप मैनेजमेंट द सी ई ओ सो दैट ही अर शी विल गेट द गाइडलाइन फ्राम हिम फ्राम द टॉप मैनेजमेंट एंड देन ही He or she will pass on all those things, policy decision to those section head or sections head or supervisor, so that they should come up with the solution or uski jo response mein kaam karna This diagram is cheez rahi, jo shuru shuru ki thi. okay, You have the president, CEO, whatever. And then they have the marketing manager, the production manager, the finance manager, and then HR manager. And under the, under the HR manager, you have five different sections. जिसमें मैनेजर ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा था मैनेजर लेबर रिलेशन हो सकता है मैनेजर स्टाफिंग हो सकता है मैनेजर कंपनसेशन बेनिफिट हो सकता है एंड मैनेजर सेफ्टी एंड हेल्थ हो सकता है छोटी so ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवन यू डोंट नीड ए सेपरेट पर्सन थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन मीडियम साइज की हुई बड़ी हुई यू माइड नीड ए पर्सन हु परफॉर्म ऑल सच एक्टिविटीज ज्यादा स्टाफ उसको ज्यादा उसके सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ा ऑल टूगेदर इट इज चेंज नाउ यू हैव सेपरेट सेक्शन ऑफकोर्स अंडर द सेम एच आर मैनेजर और उसके नीचे फिर या एच आर उसको डायरेक्टर एच आर कहते हैं मेम्बर एच आर कहते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके अंदर सेपरेट सेक्शंस होंगे और उसके अंदर आपके सेपरेट सुपरवाइजर लेवल के और फिर उसी सेक्शन के अंदर डिफरेंट और सपोर्टिंग स्टाफ होगा जो उनको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट प्रोवाइड करेगा दैट वॉज अ ट्रेडिशनल थिंग्स जैसे कुछ पीछे लेक्चर्स में मैं डिस्कस करता आ रहा हूं कि यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग एनवायरमेंट इवन फॉर द एच आर फंक्शनिंग ट्रेंड्स आर गेटिंग डिफरेंट नाउ अब आस्था सा लोग नई चीजें इसमें ला रहे हैं एक नया जो वैल्यूएट हो रहा है एच आर सेटअप स्पेशली फॉर दार्जर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक उसमें क्या हो रहा है अफकोर्स दे दे हैव टू गो फॉर ऑल दो मेजर जो आपके एच के फंक्शन हैं उसमें उन्होंने परफॉर्म करना है लेकिन उसके लिए नॉट नेसेसरी दैट यू माइट हैव योर ओन एवरीथिंग आप अपना पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट खुद कराएं आप बेनिफिट्स रिसोर्सिस को आप खुद देखें नहीं यू कैन गो फॉर आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है कि आप दूसरों से वो काम करवा सकते हैं वाई टू हैव फुल फ्लैज सेटअप एट यून ऑन आप वही चीज किसी रीजनेबल प्राइस पे कम लाइबिलिटीज पे दूसरों से बेहतर तरीके पे करवा सकते हैं दैट इज अ न्यू ट्रेंड इन एच आर फंक्शनिंग स्पेशली फॉर दी दार्जर आर्गेनाइजेशन और मल्टी नेशनल जितनी भी है वो आजकल अपने कुछ बेसिक फंक्शन जो किसी दौर में ऑर्गेनाइजेशन खुद करती थी वो उसको आप आउटसोर्सिंग की तरफ लेके आ रहे हैं इसी तरह कुछ सर्विसेस को उन्होंने एक शेयर सेंटर का नाम दे दिया कि वो उनको इकट्ठा करके वहां से वो परफॉर्म किया जाने लगा सिमिलरली वो जो लाइन मैनेजर्स हैं हैव मोर अथॉरिटी मोर एचआर अथॉरिटी नाउ यू हैव ए न्यू वर्ड हेयर लाइन मैनेजर और लाइन अथॉरिटी जिसे कहते हैं ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम लाइन और स्टाफ मैनेजमेंट को लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो उसको उस वक्त के लिए छोड़ते हैं लेकिन ये ज्यादा में रखिए कि इस नया जो सिस्टम इवॉल्व हो रहा है उसके अंदर जो लाइन स्टाफ है क्योंकि एच आर बेसिकली इज ए स्पोर्टिंग स्टाफ बेसिकली प्रोवाइड स्पोर्ट्स फॉर द इफ यू सी द बिग पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेकिन वो लाइन स्टाफ जो है जो मेन अथॉरिटी जिनके पास होती है वो एचआर के भी अथॉरिटीज को खुद यूज करना शुरू कर देते हैं कुछ फंक्शंस के लिए जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि दो चीजें बेनिफिट्स को वो शेयर सर्विस सेंटर का नाम दे देते हैं जिसमें बेनिफिट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की इवन वो भी शेयर भी की जा सकती हैं इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है यू कैन आउटसोर्स इट नॉट नेसेसरी दैट यू नीड दैट स्पेसिफिक ए ह्यूज डिपार्टमेंट और ह्यूज सेक्शन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन हाँ ये यू माइट नीड वन और टू पर्सन

तो उसी हवाले से एच डिपार्टमेंट के अंदर भी उसका जो मेन रोल था वो चेंज होता जा रहा है वो क्या पहले आपको बताया था याद होगा कि इनिशियली इट वॉज द कंट्रोलिंग रोल प्रोटेक्टर आर स्क्रीनर रोल जिसे कहते हैं आप कंट्रोल रखें मैनेज करें मॉनिटर करें चीजों को अब ये आस्ता आस्ता चेंज एजेंट का, का काम कर रहे हैं अब आस्ता आस्ता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं तो एच आर डिपार्टमेंट के जो फंक्शनिंग एरियाज में एक नई चीज़ ऐड होती जा रही है कि दे स्टार्टेड प्लेइंग नाउ दे ऑफ कोर्स दे हैव टू प्ले इट दे आर द चेंज एजेंट चें रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड चेंजेस कैन बी डू टू एनी थिंग इन टेक्नोलॉजी इन अदर थिंग्स या और दूसरा दे आर डायरेक्टली नाउ इन्वॉल्व विद द टॉप मैनेजमेंट एंड दे प्ले देयर वाइटर रोल देयर वेन दे आर मेकिंग द स्ट्रेटजीज फॉर द बिजनेस दी ऑर्गेनाइजेशन तो देखा जाए तो एचआर डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है वो एडवाइज कर रहा है वो स्पेसिफिक सर्विसेज देता है वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है अदर देन द चेंज एजेंट पार्टनर जो है बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसे कहते हैं लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग मैनेजर है जो मेन आपकी ऑर्गेजेशन किसी का भी काम हो रहा है उसका और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो तालक है वो बेसिकली तीन एरियाज़ के अंदर है एडवाइस के हवाले से उनको एडवाइस करना ऑफ कोर्स विद रेफरेंस टू दी ह्यूमन रिसोर्सेज कि आपको इतने बंदों से ये काम करा सकते हैं आपको अपने लोगों को ये ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें या आप अपने लोगों के लिए यह नया इक्विपमेंट ले आए तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी स्पेसिफ़िक सर्विसेज कर सकते हैं ऑफ कोर्स वही ट्रेनिंग डेवलपमेंट उनके बेनिफिट का ख्याल उनकी रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं एंड आर्डिनेशन रोल दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लेकिन ये सारे जो फंक्शंस हैं सारी एक्टिविटीज हैं इट इज इन ए डायनेमिक एन्वायरमेंट स्टेटिक इन्वायरमेंट में नहीं है क्या आप इस चीज को पजल को इधर कर दें इधर हो जाएगा नौ इन रियालिटी दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रेशर्स ऑफ फोर्सेज आर इफेक्टिंग

मेरे चंद चीजें तो यहाँ हैं कुछ इससे इस, इस पेरिफ्री से बाहर भी हैं जो नहीं सिर्फ मुझे इफेक्ट कर रहे हैं बाकी लोगों को भी इफेक्ट कर रही हैं तो इनको हम डिवाइड करते हैं दो इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स में इसको इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स या इसको क्या कहते हैं माइक्रो एन्वायरमेंट एंड मैक्रो एन्वायरमेंट एंड मैक्रो मीन एक्सटर्नल माइक्रोमीन इंटरनल तो लेट्स कि जो हमारी एचआर जो फंक्शन अभी हमने डिस्कस की हैं चीजें जो एक्टिविटीज हैं जो फंक्शन हैं इनको कौन सी फोर्सेज हैं जो इफेक्ट कर रही हैं माइक्रो लेवल पर देखते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुंस देखते हैं उसमें इकॉनमी क्या कह रही है इकोनॉमिक कंडीशन क्या दुनिया के दैट इज द प्लेइंग वेरी मेजर रोल डिसाइडिंग टू आर आर डूइंग डिफरेंट फंक्शन ऑफ एच आर फिर है लेबर मार्केट का क्या है डिमांड सप्लाई की क्या रिलेशनशिप है वो भी बड़ा इफेक्ट करती है आपकी एच आर एक्टिविटीज को गवर्नमेंट पॉलिसीज रूल रेगुलेशन क्या है दैट इज ऑल्सो मैक्रो लेवल फोर्स आर फैक्टर ज इट इज नॉट ओनली इफेक्टिंग योर आर्गनाजेशन और योर एच आर डिपार्टमेंट बट इट इज ऑल्सो इफेक्टिंग द नेक्स्ट डोर द अदर ऑर्गेनाइजेशन तो इसीलिए इसको हम मैक्रो कहते हैं सिमिलरली लेबर फोर्स किस किस्म की आ रही है आपको किस ब्लू कलर जॉब हैं ऑफिस के जॉब हैं किस तरह के हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं डाइवर्सिटी क्या है ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं आपकी उनको एक्टिविटीज को टेक्नोलॉजी किस स्पीड से चेंज आ रही है ये बार बार चीजें आएंगी इनको हमने किसी जगह पर डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी जस्ट जस्ट टू तो रिमाइंड यू आपको बताता चलूंगा साथ इसी तरह इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं यूनिनिज्म है कि नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दैट कैन हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन योर फंक्शनिंग ऑफ एचआर डिपार्टमेंट एचआर आर एक्टिविटीज किस किस्म की परफॉर्म कर रहे हैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दरमियानी साइज की ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल पे वो इन्वॉल्व हैं दैट इज आल्सो गोइंग टू इफेक्ट एंड इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एज आई सेड. सिमिलरली द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर्स द पीपल हु मेक द डिसीजंस द अथॉरिटी उनका एटीट्यूड भी बड़ा इफेक्ट करता है आपकी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज को विद इन दर्गनाइजेशन आई थिंक डिड एनफ टुडे लेट्स समराइज टुडे व्हाट वी हैव कवर तो हमने आज फंक्शन देखे कि ह्यूमन रिसोर्स के क्या मेजर फंक्शन होते हैं तो पाँच में डिवाइड किया था ना इनको हाँ हाँ यस प्लानिंग था सिलेक्शन था फिर आप बेनिफिट्स हैं कंपनसेशन है तो फिर हमने वो जो मेजर पाँच एरियाज थे उनमें डिटेल में जा के देखा कि हर एक मेजर जो उसका ब्रॉडर एरिया उसके अंदर स्पेसिफिक कौन कौन से फंक्शन एचआर डिपार्टमेंट को करने हैं and then we also discussed that it is not necessary के each आर्गनाइजन has the same type of functions. yes, it vary from आर्गनाइजेशन to आर्गनाइशन हमने आज एक उसका पैरामीटर के हिसाब से साइज के हिसाब से कि छोटी आर्गनाइजेशन है मीडियम साइज है और लार्ज ऑर्गेनाइजन को डिस्कस किया फिर हमने ये भी देखा कि इवन लार्ज ऑर्गेनाइशन के अंदर एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसके अंदर क्या चीज़ें इवाल्व हो रही हैं और फिर हमने मुख्तलिफेक्टर्स देखे जो इफेक्ट करते हैं आपकी एक्टर एक्टिविटीज को फंक्शन को विदेनाइजेशन जिसमें हमने इन्वायरमेंट को देखा एक्सटर्नल फैक्टर देखे इंटरनल फैक्टर देखे और उनको समझने की कोशिश की वेरी गुड तो लेकिन जाने से पहले कल का हमें या नेक्स्ट लेक्चर का हमें पता होना चाहिए कि क्या डिस्कस करना है तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे आज एक टर्म आई थी लाइन मैनेजर तो लेक्चर नंबर टेन में इंशाला हम डिस्कस करेंगे लाइन मैनेजर और स्टाफ लाइन और स्टाफ एस्पेक्ट जो एचआर के होते हैं इवन जनरल मैनेजमेंट में वो क्या चीजें होती हैं और एचआर वहां पर किस तरह फिट इन होता है इस चीज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे जाने से पहले एक चीज और बताता चलूँ मैं बार बार कहता हूं कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन योर माइंड डोंट वेट जस्ट आस्कडी आस्क मी आस्क टू योर पीपल हु आर इंटरेक्टिंग विद यू फ्रॉम द वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई यू कैन गो एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स अपने घर में किसी बड़े से पूछ लें नहीं तो आपके इर्द गिर्द आपके पास किताबें हैं कोई चीज भी आप जहन में क्लियर नहीं करते जाएंगे स्टेज में तो आगे जाके कॉम्प्लीकेशन और बढ़ती जाएंगी आस्किंग क्वेश्चन इज ऑलवेज गुड ये फायदा देता है तो आई होप के यू हैव अंडरस्टुड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टेज लेक्चर और मेरी कोशिश भी यही होती है कि सिंस दिस इज एज सेड अर्लियर अंडर ग्रेजुएट क्लास और बैचलर लेवल क्लास कि आपको इस तरह लेके चला जाए कि चीज़ें क्लियर भी होती जाए और आप उन चीज़ों के बेस पे आगे आपके लिए समझना भी आसान होता जाए बट अगेन वन पर्सन कैन डू एवरी थिंग दिस विल बी टू वे कम्युनिकेशन टू वे अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी एफर्ट करनी है मुझे अपनी करनी है And as I said, always we can make, we, together we can make the difference. With these thoughts, thank you very much. Asalaamu Alaikum.